गुड मॉर्निंग पीपल। तो मैं नींद से उठते ही पहली चीज़ जो किया हूँ वो बैठा हूँ मैं एडिटिंग करते हुए। तो एडिटिंग ऑलमोस्ट हो गया, अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा। मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया है, तो फटाफट उसका टाइटल और थंबनेल बना के अपलोड करता हूँ। और आज मैं घर में अकेला हूँ। आज मतलब लिटरली 3 4 दिन मैं घर पे अकेला हूँ, और मेरे को पूरा खुद के ही करने हैं, जैसे ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, सब करना। तो आज देखिए मेरा आज का स्ट्रगल कैसे होता है, किस प्रकार होता है पूरे घर में खुद सब चीज़ें करने का। तो उसके अलावा बाकी तो अपने सीरीज़ के वीडियोस आ रहे हैं, तो वो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो लेट तो वो सीरीज़ के वीडियो ऑलरेडी आ गए होंगे जो मैंने रिसेंट ट्रिप की थी, तो वो जाके चेक कीजिए। मैंने उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको ईजी होगा वो पूरा ट्रैक करने के लिए, पूरा देखने के लिए। तो चलो करते हैं आज के दिन की शुरुआत, आज की ब्लॉग की शुरुआत। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शुभम एंड यू आर वॉचिंग स्टेल्थ ब्लैक राइडर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज मोस्ट प्रोबेबली घर में ही ब्लॉग होगा पूरा, जो भी चीज़ें होंगी। मैं को अभी लग रही है भूख, 1 1.5 घंटा हो गया उठ गया हूँ। मैं एडिटिंग कर रहा था तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। पहले फ्रेश होता हूँ, ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ मेरा स्ट्रगल ब्रेकफास्ट बनाने का, लंच बनाने का। देखिए आगे का फर्स्ट टास्क है मेरा, पहले तो गार्बेज फेंकना है बेसिकली। अभी आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है, ये जो इसका आ रहा है, जो गार्बेज कलेक्टर वैन आई है उसका आवाज़ आ रहा है। तो बेसिकली सुबह 6 बजे से बज रहा है, 6 साढ़े 6 बजे से। तो ये बाजू वाली कॉलोनीज में थी, मैं 6 बजे उठ के, मतलब 6:30 बजे उठ के मैं गेट खोल के बाहर देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं। तो अभी इट्स नियर आ गेट, तो मैं फटाफट जाता हूँ। पहले कचरा डंप करते हैं पूरा। तो ये सबसे पहले टास्क है, ये मम्मी करती है रोज, लेकिन इस बार मैं घर पे हूँ आज, तो मुझे करना है। जो भी बचा कुचा कचरा है सब कलेक्ट करके डाल के आता हूँ। बाथरूम में ही और सब लोग आ रहे हैं, जैसे काम वाली मौसी आ गई, फिर सिलेंडर का डिलीवरी आ गया, वो मीटर रीडिंग लेने वाला आ गया, सब एक साथ ही आ गए और मेरी बहुत भागा दौड़ी हो गई। तो अभी जस्ट मैं नहा के निकला, मेरे बाल सुखाए मैंने ड्रायर से, लेकिन तो भी थोड़ा और गीले और पूरे सूख नहीं रहे, ज़्यादा ड्रायर मारना भी ठीक नहीं है, तो इसके लिए मैंने छोड़ दिए खुले, सूख जाएंगे। तब तक मैं बनाता हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के लिए आई विल बी मेकिंग ऑमलेट, वहाँ पे अंडे रखे हुए हैं, और ये सब मैं चॉप कर लेता हूँ और बटर के अंदर मस्त बनाते हैं ब्रेकफास्ट और खाते हैं। और ये बेसिकली फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, जो मैंने कॉफ़ी लिया था, जो शर्मा कॉफ़ी से कॉफ़ी लिया था, वो ग्राइंडेड बीन्स थे। सो इसमें ये जो अपनी चाय की छन्नी होती है वो, उसके साथ मैंने टिश्यू पेपर रखा है, उसके अंदर जैसे ही कॉफ़ी का जो क्रश है वो डालते हैं, एंड देन वी हैव टू ऐड सम हॉट वाटर। और ये नीचे दिख रहा है, ये ड्रिप बाय ड्रिप इसमें से फिल्टर होके वो नीचे जमा हो जाएगा, एंड बॉइल मिल्क एंड ऐड टू इट। सो इस प्रकार कॉफ़ी बेसिकली जो क्रश बीन्स के साथ होती है वो इस प्रकार की जाती है। तो मैं वही अब इसको और थोड़ा पानी डाल के रख दूंगा, इट टेक्स ऑलमोस्ट लाइक 10 to 15 मिनट्स पूरा वो ड्रिप होने के लिए। तब तक मैं ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद कॉफ़ी बना के आपको कॉफ़ी के बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं। तो घर में का दूध ख़त्म हो गया था, मैं अभी जस्ट लगे दूध दूध लेके आया, अभी ये कॉफ़ी कम्प्लीटली इसके अंदर आ गई है, दूध बॉयल हो रहा है। सो ये अलग स्ट्रगल था, मेरे को बहुत देर से कॉफ़ी पीनी थी, लेकिन मैं दूध लाने में नहीं जा सकता था क्योंकि मेड थी, सो वो काम कर रही थी रूम का, मतलब झाड़ू पोछा और ये सब, सो आई कांट लीव द होम अलोन, तो इसलिए मुझे थोड़ा रुकना पड़ा। अभी मैं जाके जस्ट दूध लेके आया, अभी दूध गर्म हो रहा है, इट्स अबाउट टू बॉइल, फटाक से गर्म हो जाएगा तो कॉफ़ी पीते। ये कॉफ़ी ठंडी हो गई है, उसको थोड़ा मेरे को बॉइल करना पड़ेगा।
तो वो करते हैं, कॉफ़ी पी के आज के काम के लिए लगते हैं। ब्रेकफास्ट होने के बाद मैं काम करते बैठा था, मुझे बैंक में एक चेक भी डिपॉजिट करना था, वो बैंक में जाके आया, वो काम करके आया, वो सब करते करते सब करते करते और मोस्ट काम करते करते अभी टाइम हो रहा है 2:30 और ये मेरा है लंच। सो बेसिकली मम्मी मेथी के पराठे कल रात को ही बना के गई थी, मैंने सिर्फ उसमें थोड़ा बटर डाला और अच्छे से उसको रोस्ट किया, मस्त लग रहा है। अभी इसको खाता हूँ मैं, क्योंकि लंच का तो कोई सीन नहीं था। राइस भी मम्मी ने कल रात में ही बना के रखा था, उसको मैंने गर्म कर दिया, वो भी खा लूँगा। लेकिन अभी मेन स्ट्रगल होगा रात के डिनर के लिए, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली ऑर्डर करना पड़ेगा या कहीं बाहर जाके खाना पड़ेगा। ट्राई करता हूँ दोनों ना करना पड़े और घर पे मैं बना पाऊँ, लेकिन अगर मेरे पास उतना टाइम बचेगा तो फॉर श्योर मैं कर लूँगा। चलो मैं फटाफट लंच ख़त्म करता हूँ, फिर मुझे और बहुत सारे काम हैं तो वो भी कर लेते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू इवनिंग, अभी टाइम हो रहा है 5:30 और मुझे हो रहा है बोर, भयंकर बोर हो रहा है। मुझे बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे वीडियोज एडिट करने हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स के काम पड़े वो सब करने, लेकिन मुझे इतना बोर हो रहा है कि क्या ही बताऊँ। और मुझे भूख भी लग रही है, तो अभी फिर से कॉफ़ी बनाते हैं। और कॉफ़ी के बारे में मैं आपको बता रहा, तो बेसिकली जो मैंने कॉफ़ी लाई, मैंने दो टाइप के कॉफ़ी लाई, एक कॉफ़ी बीन्स लाई है और एक क्रस्ट कॉफ़ी है। सो कॉफ़ी बीन्स रोस्टेड है, क्रस्ट कॉफ़ी रोस्ट किए हुए बीन्स का, उसको फिर क्रस्ट किया हुआ है। सो वो ब्लेंड है बेसिकली, उसके अंदर 90% मिक्सचर है और 10% चिकोरी है। चिकोरी कुछ रूट्स होते हैं किसी प्लांट के, वो आयुर्वेदिक के लिए यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली चिकोरी इसलिए यूज़ किया जाता है कि कॉफ़ी का जो बिटरनेस है वो कम हो जाए। मैंने अभी जस्ट यूट्यूब पे स्टडी किया तो उसमें पूरे डिटेल्स दिए हुए थे। तो जो है बाकी जो ब्लेंड है मिक्स है वो अरेबिका है, चिकोरी है और रोबुस्टा, ऐसे तीन चीज़ों का ब्लेंड है वो। तो अभी मैं फिर से दूसरी कॉफ़ी बनाता हूँ और इस बार मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा, क्योंकि मुझे मिल्क से ब्लोटिंग हो गई है लगता, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ बना के। और उसके बाद देखते हैं क्या प्लान होता है अभी इवनिंग के डिनर के लिए, स्ट्रगल करना पड़ेगा अभी। तो यार ये ब्लैक कॉफ़ी मैंने बनाई और ये मस्त लग रही है मेरे को, अभी ब्लैक कॉफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मिल्क वाली इतनी कुछ पसंद नहीं आ रही थी, बट या अच्छी लग रही थी वो भी, बट ये सबसे बेस्ट लग रही है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, सो बेसिकली गोप्रो का बैटरी डाउन हो गया, गोप्रो चार्जिंग पे लगाया मैंने, और गोप्रो के यहाँ पे ऊपर देखो बंद हो गया। ओके यहाँ पे ऊपर देखो दिख रहा है 0.36। सो बेसिकली मैंने गोप्रो का इतना स्टोरेज यूज़ कर लिया है, कि सिर्फ 30 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड कर सकता अभी मैं। जो पिछली वाली पूरी ट्रिप थी वो इसी में रिकॉर्ड की थी, अभी तक मैंने वो पीसी में ट्रांसफ़र नहीं करा है, तो अभी फटाफट मैं वो सब ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, नहीं तो फिर पूरे ट्रिप का डेटा चला जाएगा। उसके अंदर मेरे ख्याल से 128 GB का कार्ड है, तो भी वो इतना भर गया, ऑलमोस्ट कुछ 250 क्लिप्स हो गए उसमें। चलो फटाफट वो भी काम कर लेता हूँ मैं, भी इतना आलसी हूँ कि मतलब वो पूरा ब्लॉगिंग करते ही जा रहा हूँ जब तक वो पूरा फुल नहीं हो जाता। अभी फ़ोन से ब्लॉग कर रहा हूँ ताकि वो चार्ज हो जाए और उसमें का मैं डेटा कॉपी कर लूँ। तो कल दिन भर जो स्ट्रगल स्टोरी चल रही थी, तो कल रात में मैं बोर हो गया था घर में बैठे बैठे अकेले, तो मैं बाहर चला गया ऐसे ही चिल करने फ्रेंड्स के साथ, और फिर वही ऑन दी वे वही से खा के आया और मैं शूट करना भूल गया। सो बस वही कल वाला वीडियो फिर यही तक रखते हैं और एंड करते हैं। आज सेकेंड डे है स्ट्रगल का, लाइक लिटरली 4 दिन घर पे कोई नहीं है, 4 दिन। कल का तो ठीक है, लंच का तो कल हो गया था, लेकिन आज ब्रेकफास्ट तो बना लेगा मैं, लंच का देखना पड़ेगा। ठीक है वो सब है, वो आप अगले वाले वीडियो में देखना। तो अभी तक के लिए ये वीडियो रखते हैं यहीं पे और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।